आपका दुबई वाला राजा, आज देख कर आया हूँ स्त्री और मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ स्त्री फिल्म का। और दोस्तों छुमंतर कालिकंतर करने वाले डायरेक्टर हैं अमर कौशिक। जी हाँ, अमर कौशिक ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और पूरी फिल्म डायरेक्टर की है। स्त्री को प्रोड्यूस करने वाले हैं सुमित, विजयन राज और डीके, और इस खूबसूरत फिल्म को लिखा है सुमित अरोड़ा ने। कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक विस्या हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था, सच्चा प्यार। फिल्म का खूबसूरत स्क्रीन प्ले लिखा है राज और डीके ने, और इसका म्यूजिक है सचिन जिगर का। दोस्तों चार कलाकारों की पूरी कहानी है। जी हाँ, राजकुमार राव, मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की चोंच लंबी और पेनी होती है। मोर की ऊंचाई लगभग 1.5 फुट होती है। मोर जब सावन के मौसम में झूम उठता है तो लोग उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जैसे हम आपको देख के मंत्रमुग्ध हो। पंकज त्रिपाठी, अगले चार रात वो शिकार पे आने वाली है। और खुराना, क्या तुम्हारा हाथ पकड़ और बोली बिक्की प्लीज, बिक्की प्लीज, भाई तो कह रहे हैं बिक्की प्लीज। जी हाँ, और श्रद्धा कपूर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतिया है साले। क्या बकवास कर रहे हैं? क्यों हर साल तुम्हारी साली एक गर्लफ्रेंड पूजा के टाइम ही आती है और बस गायब हो जाती है? दोस्तों अब हम बात करेंगे इस फिल्म की कहानी की। तो इसकी कहानी है मध्य प्रदेश के एक चंदेरी गांव की। इस कहानी में राजकुमार राव जो कि मुख्य कलाकार है, जो कि हीरो है, वो एक टेलर का रोल अदा कर रहे हैं और वो सब कुछ सी लेते हैं, लहंगा चोली गरारा शरारा चूड़ीदार छोटा ब्लाउज बड़ा ब्लाउज, मास्टर है मास्टर। नहीं नहीं, हम तो सब बनाते हैं, कंप्लीट लेडीज फैशन, घाघरा लहंगा चूड़ीदार पटियाला अनारकली मॉडल सलवार पाकिस्तान सलवार लॉन्ग कुर्ती शॉर्ट कुर्ती गरारा शरारा मिरर वर्क स्टोन वर्क डिजाइनर पेंटी नाइट फाल नाइटी फाल। मजे की बात है कि उनकी दुकान के बाहर सवेरे कम से कम 20-25-30 औरतें लाइन में खड़ी रहती हैं अपने अपने लहंगे गरारे शरारे सिलाने के लिए, और पूरे गांव में उनका नाम बहुत जोरदार जोरों पर है। तेरे बारे में तो सबसे सुना है, सबको पता है कि तू अफसर है। मैं तो आ नहीं रहती लेकिन पूजा के टाइम हर साल आ जाती हूँ। और एक बेहतरीन रोल में है पंकज त्रिपाठी, जो कि किताबों की पूरी दुकान लेके बैठे हैं, पूरे शहर की पूरी दुनिया की उनके पास जानकारी है, और वही बताते हैं कि ये जो स्त्री भूत बन गई है इसे प्यार चाहिए, प्यार पाने के लिए वो तड़फ रही है, उसे प्यार नहीं मिला है और प्यार उसको चाहिए, और वो प्यार मिलता है राजकुमार राव से, क्योंकि उस बुक में जिस राइटर का लिखा गया है उस राइटर तक वो पहुंच जाते हैं ढूंढते ढूंढते, और वो राइटर कहता है कि उस भूतनी को एक राजकुमार चाहिए जो कि शायद तो और एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया, कहां जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? दोस्तों आगे की कहानी स्त्री की अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप बोलेंगे हम क्या करेंगे, तो लिहाजा मैं आपको इसकी कहानी नहीं बताऊंगा। जाइए आप थिएटर में जाइए, अपनी वाइफ को अपनी फैमिली को लेकर जाइए, बच्चों को मत लेकर जाइए, और चाहे तो अपनी माशुका को लेकर जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं और उस स्त्री को भी कोई एतराज नहीं होगा। जाकर स्त्री देखिए, मजे लूटिए मजे लूटिए मजे लूटिए। कौन स्त्री तो पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र छोड़ती है, वो पहले तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगी। तुम्हें क्या करना है, फौरन चप्पल निकालो हाथ में लो और भागो। 100 बात की 1 बात कहानी में दम है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, डायलॉग तो इतने कटीले हैं, इतने नॉनवेज हैं, इतने अच्छे हैं जो कि मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको 2-4 डायलॉग तो जरूर सुनाता। उसको सबका नाम कैसे पता चल जाता है? सबका आधार लिंक है उसके पास।
तो दोस्तों इस फिल्म को अच्छी तरह समझने और देखने के लिए, महसूस करने के लिए, फील करने के लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा। आपके पैसे बिल्कुल जाया नहीं होंगे। पिक्चर में सब कलाकारों ने बहुत बेहतरीन अभिनय किया है। पूरी फिल्म डायरेक्टर की है, डायरेक्टर ने खूबसूरत तरीके से फिल्म को डायरेक्ट किया है और वो अपने मंजिल तक बिल्कुल बराबर पहुंचे हैं। कुछ भी हो जाए पलटना मत। तो मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देना पसंद करूंगा, क्योंकि फिल्म में तालियां 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 हैं, गालियां 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 हैं, नशा है, अटखेलियां हैं और न जाने क्या क्या है। मैं तो भाई बहुत मूड में हूं बिना पिए हुए। आप एक पैग लगा कर जाइए और एंजॉय कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। और इस स्त्री के भूत को आप जाकर देखिए। अब दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और सब्सक्राइब का बटन मेरे सामने है, आपके पास है, इसको दबाइए और आइए मेरे दिल के नज़दीक आइए। आप मुझे विदा दीजिए और आपसे मुलाकात होगी स्त्री के भूत के बाद। टाटा बाय बाय, थैंक यू।